हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ शॉर्टकट मेथड्स है। अगर बाइनरी नंबर दिया है तो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑक्टल है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्शन होगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन विद एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हम पहले एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक नंबर दे रखा है 1 0 1 1 1 0 और इसका बेस कितना है 2 और मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल सिस्टम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रॉपर्टी पता है जो बेस है जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है 8, तो ये क्या ऑक्टल नंबर हो गया। तो ऑक्टल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, ये कितने कितने डिजिट्स इसमें हो सकते हैं, 2 0 2 7, इसका मतलब है 3 डिजिट्स है। तो मतलब 3 डिजिट्स मीन्स करने का मतलब है 2 की पावर 3 मैक्सिमम जा सकता है ये। तो कितने नंबर्स इसमें हो सकते हैं, कितने का ये पेयर बनेगा, इसका 3 का बनेगा। तो जो मेरे पास ये नंबर दे रखा है इसको मैंने ऐसे लिखा 1 0 1 1 1 0 और मैंने क्या किया इसको ऐसे 3 3 के पेयर्स में डिवाइड कर लिया और मुझे कहाँ से करना है, इस तरफ से करना है, मेरे लेफ्ट मोस्ट से करना है। तो ये 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, मीन्स हमें किस में करना है, ऑक्टल में करना है। तो ऑक्टल में कितने मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं, 0 to 7 तक, और ये 0 to 7 तक में आप 2 की पावर 3 तक ही जा पाएंगे, मतलब 8। तो मैं इसको किस में कितने में कर लूंगी, 3 के पेयर्स में डिवाइड कर लूंगी, मीन्स 2 की पावर 3 है तो ये 3 के पेयर्स बनेंगे, इसमें 3 एक पेयर में 3 डिजिट्स होंगे। तो ये 1 1 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इसको बाइनरी इसका कन्वर्जन करेंगे तो ये 1 1 0 कितना होगा, 6 होगा, और 1 0 1 इसका क्या है, ये 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 6, ये बेसिस का 8 लगा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस 56। अगर मैं दूसरा नंबर लूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 और मुझे ये मेरा क्या है नंबर, इस बाइनरी नंबर है और इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को 3 3 के पेयर्स में डिवाइड कर दूंगी। 3 3 का पेयर डिवाइड करने का जो रूल है वो लेफ्ट मोस्ट से मुझे चलना है, 0 1 0, एक ये पेयर बन गया, फिर दूसरा पेयर मेरा बन गया ये, और ये पेयर मेरा ऐसा बन गया, यहाँ 0 0 लगा लीजिए, 0 1 0 0 1 0, ये इसका मतलब है 2, 1 0 1 का मतलब है 5, 0 0 1 का मतलब है 1। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 152, बेस कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, ये शॉर्टकट मेथड है। दूसरा अगर मैं देखूं, हमें कन्वर्ट करना हो ऑक्टल टू बाइनरी, मतलब ऑक्टल में गिवेन है ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर गिवेन है, मींस मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 5 6 2 और इसका बेस कितना है 8 और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करिए, ये 5 6 2 आप ऐसे लिखिए और इसका बाइनरी नंबर, इसका बाइनरी नंबर और इसका आप कन्वर्ट कर दीजिए, ऑक्टल है तो 3 डिजिट्स होंगी। तो 2 का जो बाइनरी नंबर है वो कितना है, 0 1 0, 6 का जो बाइनरी नंबर होता है 1 1 0 होता है, 5 का कितना होता है 1 0 1, और आप इसको कंबाइन करके लिख दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम पे, मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ 5 6 2 का क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 1 0 0 1 0 और बेस कितना है, ये 2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 6 7 5 1 और इसका बेस कितना है 8 और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम पे करना है। तो 6 7 5 1 कन्वर्ट करिए, 1 का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 001, 5 का होता है 101, 7 का होता है 111 और 6 का होता है 110। आप कंबाइन कर दीजिए इसको, 110 111 101 001 और इसका बाइनरी नंबर, तो
तो ये कन्वर्ट हो गया, मीन्स ये क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी नंबर हो गया। अब हमें कन्वर्ट करते हैं हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर मान लीजिए हमारे पास जो गिवन बाइनरी नंबर है वो है मेरे पास 1101001, और बेस कितना है 2 है। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट होना है, मतलब क्या हो गया 16, टोटल कितने डिजिट से इसमें 16, मीन 0 to 15 है, मतलब कितने कितने डिजिट्स हो सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर मतलब कितने पेयर्स, एक पेयर में कितने नंबर्स होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1101001, लेफ्ट मोस्ट से शुरू करना है और हमें राइट मोस्ट तक जाना है और 4 का मुझे पार्टीशन करना है। तो 1100011 एक में आ गया, 1101 एक में आ गया। अब ये इसका बाइनरी नंबर क्या रिप्रेजेंट होगा, 0011 का ये हमारा हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1101 का 13। तो ये जब कन्वर्ट करेंगे, ये जब हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 13 क्या है, डी है, तो ये डी 3 और बेस कितना हो जाएगा 16। दूसरा नंबर लेते हैं, बाइनरी नंबर है 1101010100100, और इसका बेस कितना है 2 और कन्वर्ट किस में करना है मुझे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करिए, आप लेफ्ट मोस्ट से शुरू करिए, 4 डिजिट्स ले लीजिए, ठीक है। तो ये 1100 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1010 ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स 10 को रिप्रेजेंट करेगा, और 101 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो नंबर कितना हो गया 5AC और बेस कितना हो गया 16, ये कन्वर्जन हो गया। अगर मुझे हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, हेक्साडेसिमल टू मुझे बाइनरी कन्वर्जन करना है, तो हेक्साडेसिमल गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल नंबर मान लीजिए मेरे पास दे रखा है 2AB और इसका बेस कितना है 16, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है। तो कुछ नहीं करिए, इसको बाइनरी नंबर पे इसका बाइनरी नंबर लिख लीजिए, 2 का बाइनरी नंबर कितना होता है 0010, एक्चुअल में ये 16 है, तो 2 की पावर 4 मतलब 4 डिजिट्स बनाने हैं इसके। ए का मतलब कितना हो गया 1010 और बी का मतलब क्या हुआ 1011, मतलब ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया हमारा 11, और इनको साथ में लिख दीजिए 0010 1010 1011 और क्या हो गया ये बेस 2। तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये नंबर हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है मेरा ABC 16 और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ABC, A का मतलब है 1010, B का मतलब है 1011, C का मतलब है 1100, इसको साथ में लिख दीजिए 2। तो किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ये क्या हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। थैंक यू।